भारत में सोयाबीन तेल मुख्य रूप से अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात किया जाता है। ब्राजील में 2021-22 में सोयाबीन का उत्पादन 122.8 मिलियन टन होने का अनुमान है। ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालात के चलते इस बार सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आई है। वहीं चीन सोयाबीन का रिकॉर्ड आयात कर सकता है। USDA से मिली जानकारी के अनुसार सोयाबीन खली की बढ़ती डिमांड और सीमित उपलब्धता के चलते चीन के 2022-23 में रिकॉर्ड 100 मिलियन टन सोयाबीन आयात करने की उम्मीद है। चीन के पशु उद्योग से सोयाबीन की अच्छी डिमांड निकल सकती है। बात करें अगर भारत के सोयाबीन के बाजार की, तो सोयाबीन की कीमतों में उछाल के बाद कीमतें फिलहाल सीमित दायरे में हैं। अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों में भी थोड़ी सी नरमी आते दिखी है। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का सोयाबीन पर कहना है कि फिलहाल सोयाबीन की कीमतें सीमित दायरे में कारोबार कर रही हैं। सोयाबीन में सीमित दायरा नीचे में 7600 से लेकर ऊपर में 8000 तक का हो सकता है। जहां छोटी अवधि में सोयाबीन में सीमित दायरा देखने को मिल रहा है, वहीं लंबी अवधि में तेजी है। अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन 1.5 से 2 महीनों में 8200 का स्तर दिखा सकती है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।